ब्रॉट टू यू बाय प्रोबो। ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। द एक्टिविटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म मे बी हैबिट फॉर्मिंग ऑफ फाइनेंशियली रिस्की, पार्टिसिपेट रिस्पांसिबली। तो हमारे साथ मौजूद हैं DDCA के प्रेसिडेंट श्री रोहन जेटली। सर बहुत बहुत स्वागत है आज तक में आपका। नमस्कार सर, ये दिल्ली प्रीमियर लीग की शुरुआत होने वाली है, ये आइडिया कहाँ से आया और कब जो है ओरिजिन हुआ इस आइडिया का, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। सी एज एन एसोसिएशन, ये प्रीमियर लीग का एक आइडिया है जो चंद सालों से यहाँ डिस्कस हो रहा है। इस आइडिया को कंक्लूड करने का जो अपॉर्चुनिटी मिली वो हमें इस दफ़ा मिली, वेयर वी हैड अप्रोच द बोर्ड फॉर एन अप्रूवल फॉर अ परमिशन फॉर द लीग विच वॉज ग्रांटेड। और इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम क्यों ना मेंस के साथ वीमेन भी करें। सो वी आर डूइंग 6 टीम्स फॉर द मेन एंड 4 टीम्स फॉर द वीमेन, एंड इट्स अ होल प्रीमियर लीग बीन सेट अप टू फॉर द सिटी ऑफ दिल्ली टू शोकेस द बेस्ट पोटेंशियल दैट इज अवेलेबल टू द वर्ल्ड एट लार्ज। जी हाँ, बिल्कुल आपने बताया। और एक सवाल जो है, वाजिब सवाल है जो आपसे पूछना चाहेंगे, इतने लार्ज स्केल पे हो रहा है ये, और कितनी टीमें होंगी, और क्या आप इसको एनुअल इवेंट बनाना चाहते हैं? देखिए, विजन तो यही है कि यह हर साल किया जाए, एनुअल इवेंट रहे। थॉट ये है कि 6 टीम रहें। अभी इनॉग्रल सेशन में, सीज़न में 6 टीम है मेंस की और 4 टीम है विमेंस की, और समय के साथ इसको बढ़ाया जाए और इसमें ज़्यादातर प्लेयर्स, इस साल प्लेयर्स ड्राफ्ट है, अगले साल से इसको ऑक्शन में स्विच करा जाए और उसके बाद आगे जितना पोटेंशियल है वो देखा जाए। आपने प्लेयर ड्राफ्ट की बात की, हमने सुनने में ये भी आया है कि शिखर धवन इज़ वन ऑफ द ओनर्स ऑफ वन ऑफ द टीम्स, क्या ये बात सच है? ही इज़ अ को ओनर इन वन ऑफ द टीम्स, ये बात एकदम सही है। एंड इट इज़, और ये बहुत अच्छा है जब आपके साथ क्रिकेट स्टॉलवर्ड्स और अच्छे क्रिकेटिंग माइंड्स जुड़ें तो आप कुछ फिर सही ही कर रहे हैं अगर लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो। जी हाँ बिल्कुल, शिखर की बात हुई क्योंकि आपने कहा कि को ओनर हैं एक टीम के, क्या हमें शिखर और बाकी इंडिया के स्टार्स इस लीग में खेलते नज़र आ सकते हैं? अगर यस तो कौन कौन से वो स्टार्स खिलाड़ी हैं? देखिए, इस लीग में आपको दिल्ली के ही प्लेयर्स खेलते हुए दिखेंगे जो कि हमेशा दिल्ली से ही खेले हैं। आप किसी और स्टेट के प्लेयर्स को नहीं खेलवा सकते, ये एक स्टेट्स की डोमेस्टिक लीग्स की रिक्वायरमेंट है। दिल्ली के जितने प्लेयर्स हैं उन सब के एक अपॉर्चुनिटी इन स्टेट्स इस लीग में पार्टिसिपेट करने की। एंड आइडिया है कि आपके जितने इंडिया प्लेयर्स अगर वो अवेलेबल होंगे तो वो पार्टिसिपेट करेंगे। कोई नाम आपके जहन में है जो आप शेयर करना चाहते हैं? देखिए, ऋषभ पंत ने कहा है कि अगर वो अवेलेबल रहें अकॉर्डिंग टू हिज नेशनल ड्यूटी तो पार्टिसिपेट करेंगे। ईशांत शर्मा पार्टिसिपेट करेंगे सब्जेक्ट टू हिज फिटनेस एक्सेट्रा। देर इज नवदीप सैनी, देर इज हर्षित राणा, ये लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपके पास कम से कम 10 से 12 IPL जो अभी करंटली दिल्ली के प्लेयर खेल रहे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपका पूल एक बड़ा वास्ट पूल है जिसमें से अच्छा टैलेंट आपको दिखेगा। रोहन सर, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको कुछ और सवाल के बिना जाने दूं। एक सवाल है क्योंकि गौतम गंभीर हमारे दिल्ली के मुंडे हैं और अब इंडियन टीम के कोच रह चुके हैं, किस तरह से नए एरा को आप देखते हैं इंडियन क्रिकेट के? दिल्ली के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि गौतम गंभीर साहब इंडियन टीम के कोच बने हैं। ये एक, मैं कहूँगा एक चेंज है। पहले राहुल द्रविड़ जी थे, अब गौतम जी आए हैं, दिल्ली के हैं, दिल्ली से खेले हैं, दिल्ली के सालों साल रणजी ट्रॉफी कैप्टन रहे हैं, इंडियन टीम का कप्तानी कर रही, और मेरा मानना है कि वो जो एक एनर्जी लाएंगे टीम में उससे आप इंडियन टीम को आप एक नई ऊंचाइयों पे जाते हुए देखेंगे। दो खिलाड़ी हैं जो दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं, आपने गौतम का नाम लिया, विराट भी हैं, दोनों एक बार फिर आपको नज़र आएंगे सेम ड्रेसिंग रूम में, और हमने पीछे भी देखा है IPL में किस तरह से चीज़ें जो हैं नज़र आई थी, उसके बाद जो है एक बार फिर विराट और गौतम की जोड़ी नज़र आएगी, उसको लेके कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप? देखिए, विराट और गौतम की जोड़ी से आप देखिएगा कि यह टीम कितने ऊँचाइयों पर जाएगी। लोग बहुत बातें करते हैं बट आई डोंट थिंक वो बातों का कोई आज की डेट में महत्व और तत्व रह गया, वो सारी चीज़ें पास्ट की हैं और आज उनका कुछ एसेंस रही नहीं है। विराट को आप 2027 का वर्ल्ड कप खेलते देख रहे हैं? देखिए, दैट इज़ अ कॉल विच ही हैज़ टू टेक। इफ़ एज अ एविड क्रिकेट लवर आई सर्टनली वुड वॉन्ट हिम टू सी हिम प्ले द मैक्सिमम क्रिकेट ही कैन, बट वो कॉल विराट की पर्सनल कॉल और बोर्ड की कॉल है एज टू हु इज़ गोइंग टू बी देयर इन द 27 वर्ल्ड कप। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रोहन सर। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज,
डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।